और करेंगे डीडवाना से मिल रही बड़ी खबर का। मकराना में महिलाओं ने जाम लगा दिया है। पेयजल की समस्या से लंबे वक्त से महिलाएं परेशान थी और इसे लेकर अब महिला प्रदर्शन पर उतारू हो गई हैं। पेयजल की समस्या को लेकर सड़क जाम कर दिया है। महिलाओं ने स्टेट हाईवे 2B पर जाम लगा दिया है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 और 7 की महिला यहाँ पर इकट्ठा हुई है और महिलाओं ने सड़क को जाम कर दिया है। उनका आरोप है कि नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, पेयजल की सप्लाई न होने से दिक्कतें हो रही हैं और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जलदाय विभाग कार्यालय पर संतोषजनक जवाब नहीं देने के भी आरोप हैं। मकराना पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश की और जाम के चलते सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का भी एग्जिट पोल सामने आया है जिसमें आंकड़े चौंकाने वाले दिख रहे हैं। हालांकि सभी की नजर बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर है, आखिर ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक नहीं आसान, 2 से 7 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त का अनुमान। आप ये मानकर चलिए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है। बीजेपी ने एग्जिट पोल को किया दरकिनार। स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनावी समर में जीत हार के दावे हथियार का काम करते हैं, अपनों को जोड़े रखते हैं और सामने वाले के हौसले को हिलाते डुलाते रहते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के 3 दिन पहले तक अगर जीत के दावों की गूंज कम नहीं हुई तो सामने वाले को खारिज करना मुश्किल हो जाता है। ये बात इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के 7ों चरण पूरे होने के बाद आई एग्जिट पोल के परिणाम में भले ही बीजेपी को 2-7 सीटों पर नुकसान बताया जा रहा हो, लेकिन सूबे के मुखिया पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार भी बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। ऐसा है, हम तो पहले ही कह रहे थे और देश की जनता का भी यही नारा था कि 400+, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से देश के अंदर जो पिछले 2 कार्यकाल के अंदर काम हुआ है, और चाहे गरीब कल्याण की हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया गया, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास ये स्पष्ट दर्शाता है कि एग्जिट पोल के अंदर भी जो 400+ के आसपास आंकड़े दिखा रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ 400+ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी गई। News 18 मेगा एग्जिट पोल में राजस्थान को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में इस बार बीजेपी को 18 से 23 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 7 सीटें आने के आसार हैं। प्रदेश में बीते 10 साल से सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी काबिज है। इनमें 1 सीट एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन बाद में वहां से जीते हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया था। प्रदेश में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन ने यहां 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें एक जाट बाहुल्य सीकर सीट है, दूसरा आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा सीट है और तीसरा नागौर सीट पर। इनके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इस बार कांग्रेस यहां खाता खोलने का दावा कर रही है। और जब देश का मिजाज बदलने लगता है तो आप ये मानकर चलिए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है, कभी बहुत सफल होते हैं कभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों पर इस बार हमें बहुत भरोसा है। मैंने ये महसूस किया जब लोगों के बीच में मैं खुद इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो पहले दिन मुझे लग रहा था कि मैं दबाव में था, क्योंकि जयपुर में हमारी सिर्फ 2 सीटें हम जीते थे विधानसभा में, 6 सीट हम हार गए थे। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में गया तो लोगों ने जो मैंने टर्नआउट देखा,
लोगों में बहुत जबरदस्त रिएक्शन था। प्रदेश की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर है, जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। कोटा अलवर में करीबी मुकाबला है, लेकिन कहां कहां कांग्रेस से बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफलता हासिल करने जा रही है, इस पर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। एग्जिट पोल फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन वो ये बताता है कि मतदाताओं ने किस पार्टी और प्रत्याशी की तरफ रुझान दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। इधर एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी एग्जिट पोल काफी हद तक ऐसे ही थे, लेकिन बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली। हमने जो कहा है 400 से ज्यादा वो हमें मिलेगा। सुनिए। पिछली बार की भी इसी तरह के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में कितनी सीट आई, 2019 में उससे बढ़कर के कितनी आई और 2024 में उससे बढ़कर के कितनी आएंगे, ये आप देख लेना। हमेशा एग्जिट पोल जिस तरह की कहता है, हमारे कार्यकर्ता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा होगा। अरविंद केजरीवाल जी का भंडा फूट गया, आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में, ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कहकर के आए थे और ये अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। वहीं एग्जिट पोल के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास के भी रिएक्शन सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देश और देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यही कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये आवाज़ एक दिन में खड़ी नहीं होती, 10 वर्षों में जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति पैदा हुआ है, और ये विश्वास तब होता है जब इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता। चाहे गरीब हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग और देश का हर कोना हो, जहाँ भी जाते हैं सबके मुंह पर एक ही बात, अब की बार बोलते ही आवाज आती है 400 पार। और ये 400 पार इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय 60 वर्षों की तुलना में 10 वर्ष भारी दिखाई देते हैं। ये तो 156 विधानसभा में भी बोल रहे थे तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। अब गहलोत साहब को मैं कहूँगा कि दूसरी बार आपने लॉन्चिंग की है, जालौर का रिजल्ट आने वाला है और 4 जून को जनता आपको वो आईना दिखाने वाली है। एक बात आप मानकर चलिए, एग्जिट पोल में जो राजस्थान के लिए कहा है 7 सीटें कांग्रेस की आ सकती है, आप इसको 15 कर दीजिए। वो टर्नआउट हुआ है और पूरे देश में ये चर्चा थी कि जिस बीजेपी की सरकार ने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया तो आरक्षण तो खत्म हो जाएगा अपना, जो आप सब संस्थाएं प्राइवेट कर दोगे, जमीन पर, आसमान में, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, सब आपने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, तो लोगों में बड़ा रिएक्शन था। एसटी एससी ओबीसी सब जगह रिएक्शन था, क्योंकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अपनी जगह जबरदस्त है, लोग जानते हैं संविधान बदलने की तैयारी हो रही है। और जहां तक आप बीजेपी ने पूरा देश में चुनाव में हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करने की कोशिश की, तो जब हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करके आपने दो वर्ग कर दिए, हिंदू और मुसलमान, ऐसे में दलित को लगा ये हमें तो खत्म ही कर देंगे, छत्रियों का आपने अपमान किया, वोट टर्नआउट हुआ है और आफ्टर ऑल तो वोट तो साइजेबल ही है ना। और इन सबके बीच दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा ने खुद का एग्जिट पोल मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने एनडीए 200 सीट के साथ इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। सुनिए। मेरा एग्जिट पोल ये कहता है, मेरा खुद का एनालिसिस ये कहता है, अब दो साल में हम आधी से राजस्थान के अंदर हम आधी से ज़्यादा कांग्रेस सीट जीतेगी। अब आप काउंट करो, देखो टोंक सवाईमाधोपुर हम जीतेंगे, दो साल हम जीतेंगे, भरतपुर हम जीतेंगे, बाड़मेर हम जीतेंगे, सीकर हम जीतेंगे अलायंस की सीट, नागौर हम जीतेंगे, झुंझुनू हम जीतेंगे, अपना ये अपने धौलपुर भी हम टक्कर में, धौलपुर करौली और अपने डूरू बांसवाड़ा सीट हम जीतेंगे। इस तरह से ये सारी सीटें हैं और कई सीट ऐसी हैं टक्कर में। देखो बीजेपी, मैं फिर बोल रहा हूँ, बीजेपी 200 सीट के आसपास रहेगी।
और इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग से मिलकर गठबंधन की तरफ से तीन प्रमुख मांग की जाएगी। पहली मांग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट में पर्ची का मिलान कराने की है। दूसरी मांग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराने की है। और तीसरी मांग, हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताए जाने की है। सबकी संतुष्टि के बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू करने की मांग इंडिया गठबंधन की तरफ से की जाएगी। तो ईसी से इंडिया गठबंधन इंडिया डेलीगेशन मिलेगा, अपनी तीन प्रमुख मांगें उनकी ओर से रखी जाएंगी। और आपको बताते चले कि शाम को 4:30 बजे आज शाम चुनाव आयोग से मिलकर गठबंधन की तरफ से तीन प्रमुख मांग रखी जानी है, जिसमें पहली मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट में पर्ची का मिलान किया जाए। दूसरी मांग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कराने की है, पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाए उसके बाद ईवीएम की। तीसरी मांग है कि हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा जरूर बताया जाए, यानी कि हर राउंड के बाद जो डेटा सामने आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो प्रत्याशियों को बताया जाए, उनके सामने रखा जाए। और एक और बड़ी खबर है, एआईसीसी ने लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले फीडबैक लिया है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीसी से जानकारी इकट्ठा की। बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजस्थान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी फीडबैक लिया गया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से चुनावों पर चर्चा भी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावों के परिणाम से ठीक पहले एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फीडबैक लिया है, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई है। वीसी के जरिए ये जानकारी इकट्ठा की गई। बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजस्थान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी फीडबैक लिया गया है और इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की स्थिति को लेकर फीडबैक दिया है। तो 4 जून को नतीजे सामने आने वाले हैं और उससे पहले लगातार अलग अलग पार्टीज आंकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, ताकि वो जमीनी हकीकत समझ सके। इससे पहले भी एक बड़ी बैठक की गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से और बैठक खत्म होने के बाद 295+ यानी कि 295 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया गया।